नमस्कार, मैं रोशनी, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। चांद पर इसरो ने खोज निकाला विक्रम लैंडर। ऑर्बिटर में लगे हाई रिजोल्यूशन कैमरे ने ली तस्वीरें। संपर्क साधने की कोशिश जारी। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील राम जेठमलानी का निधन। काफी समय से चल रहे थे बीमार। राष्ट्रीय गलियारों में शोक की लहर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। पीएम मोदी ने फूका चुनावी बिगुल। अनुच्छेद 370 को बनाया चुनावी मुद्दा। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के डीडवाना में मोहर्रम के अवसर पर हजरत कासिम अलैह सलाम की याद में मुस्लिम समुदाय की ओर से शनिवार की रात को मेहंदी की रस्म धार्मिक रस्मों रिवाज के साथ अदा की गई। इस मौके पर शहर के सभी मुस्लिम मोहल्लों में देर रात को चौकियों पर जगमगाते दिए सजाकर जुलूस निकाला गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों ने शिरकत की। रात 7:30 बजे से प्रारंभ हुए इस आयोजन के तहत सैयदों का मोहल्ला, काजियों का मोहल्ला, पठानों की पोल, अजमेरी गेट, न्यारियों का मोहल्ला आदि मुस्लिम मोहल्लों में लोगों ने अपने अपने घरों में चौकियों पर जगमगाते दिए एवं मेहंदी सजाई। इसके बाद ढोल ताशों की धुनों के साथ लोगों ने एक साथ सैकड़ों दीयों का जुलूस निकाला। इस दौरान दीयों की जगमगाहट से पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठा। मेहंदी का जुलूस ताजिया मुकाम पर पहुंचकर विसर्जित हुआ। इस अवसर पर युवकों ने या अली या हुसैन के नारे लगाकर आकाश को गुंजायमान कर दिया। लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने पर सीएम योगी ने प्रतापगढ़ की जनता का धन्यवाद दिया। इस मौके पर सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करने प्रतापगढ़ पहुंचे। इन जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाने का निर्णय लिया, वो बिल्कुल सही कदम लिया। वही मुख्यमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। वह प्रतापगढ़ के आंवले के उत्पादन पर बात करते हुए कहा कि आंवले का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। वह प्रतापगढ़ में मेडिकल तैयार कराने की बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगले साल तक यहां मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे, साथ ही युवाओं का डॉक्टर बनने का सपना साकार होगा। खबर गुजरात के अहमदाबाद से है। यहां कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया। यहां नए अध्यक्ष तरुण बाघेला को मनोनीत किया गया है। इस बीच कांग्रेस भवन में उनका कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर से कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर अनिल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और जमकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। गुजरात देखिए, कांग्रेस के दृष्टि से और दलितों की आंदोलन के दृष्टि से बहुत बड़ा प्लेस है और बहुत बड़ा राज्य है। आज पिछले 4 सालों में नौशाद भाई सोलंकी जी ने AICC के SC डिपार्टमेंट का गुजरात प्रदेश का जो अध्यक्ष पद संभाला है, बहुत अच्छी नींव उन्होंने रखी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सोचती है कि बड़े पद रोल होते रहे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, उसी के अंतर्गत एक युवा और बड़े एनर्जेटिक तरुण भाई वाघेला जी को ये पदभार दिया हुआ है और ये जिम्मेदारी सौंपी है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से इसके पहले अनुसूचित जाति का काम इस राज्य में चल रहा था, उससे और गति से तरुण भाई के नेतृत्व में इस राज्य में अनुसूचित जाति का कांग्रेस से लेकर काम चले। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से संबंधित अस्पताल और जयपुर अस्पताल के अक्षेक्षण कर्मचारियों ने हड़ताल पर रहकर आंदोलन किया। दरअसल पिछले 3 महीनों से कर्मचारियों के वेतन में अनियमितता हो रही थी, जिसके विरोध में चीफ अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ कर्मचारियों ने RUHS में प्राचार्य का घेराव किया। कर्मचारियों ने चीफ अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ बोला कि ज्वाइनिंग के बाद से 3 महीनों में कोई टेंडर नहीं मिला, जिसके कारण लैब बंद पड़ी है। सफाई कर्मचारी नहीं होने के कारण अस्पताल में सफाई नहीं हो रही, साथ ही बजट नहीं आने के कारण अस्पताल में कई अनियमितताएं चल रही हैं। बदायूं का राधा माधव संकीर्तन मंडल की ओर से गणपति उत्सव का आयोजन किया गया। ये तनय वैश्य धर्मशाला मढ़ई चौक पर आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे।
अयोध्या शहर में एक और 3 तलाक का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोतवाली नगर की बिछड़ा सुल्तानपुर मोहल्ले की रहने वाली मुस्लिम महिला चमन बानो को उसके शौहर ने दिल्ली से फोन पर तलाक दे दिया। महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने व मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों के सुरक्षा अधिनियम के तहत कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ससुराल जाने के बाद 3-4 महीने तक हम वहाँ से खुश ही रहे। उसके बाद हमारे हस्बैंड ने और हमारे ससुराल ने हमें मारा पीटा, खाना पानी भी नहीं देते थे। उसी बीच हमारे पेट में बच्चा आ गया और उसके बाद हमारे हस्बैंड ने हमें फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर हमें छोड़ के चले गए। उसके कुछ महीनों बाद हमारी बेटी, जो हमने कहा बेटी ये, तो उन्होंने हमें फ़ोन पे गाली दी, धमकी दी कि हम तुम माँ बेटी को हम घर पे अपने नहीं रखेंगे। उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने हमें फ़ोन पे 3 तलाक बोल दिया। मतलब ये है कि महिला पेश हुई और उसका जो है कुछ घरेलू विवाद चल रहा था, तो घरेलू विवाद के तहत उसने एप्लीकेशन में ये भी लिख रखा था कि हमारे पति ने मुझे 3 तलाक दे दिया है, तो उसके तहत हमने FIR दर्ज कर ली और ये कार्रवाई विवेचना के अनुसार की जाएगी। शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह अयोध्या पहुंचे। वहीं इस मौके पर जगमोहन सिंह ने कहा कि गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी गेंदालाल दीक्षित का देश के लिए योगदान सराहनीय है। ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें डकैत कहा गया, लेकिन ये अमीरों को लूटा करते थे और गरीबों की मदद करते थे। वहीं अवध विश्वविद्यालय ने गेंदालाल दीक्षित के नाम से अतिथि गृह बनवाकर नेक कार्य किया, लेकिन उसको ज्यादा करने वाला है ताकि आम आदमी कभी भी जाए, अब जेल वालों से पूछना पड़ता है, वो फिर जंदरा खोलते हैं, तो वो लेकिन दूसरा जो था मतलब और भी ज़्यादा जिस चीज़ से मुझे मैं प्रेरित हुआ वो था कि एक हमारे बहुत अननोन रेवोल्यूशनरी हैं गेंदालाल दीक्षित, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उस वक्त के इनकलाबी मूवमेंट में वो एक द्रोणाचार्य जैसी है, एक मतलब जिसने रामप्रसाद बिस्मिल जी को पैदा किया और उन्होंने समाज का वो रूप जो था जिसमें मतलब जिनको हम डकैत कहते हैं, उन्होंने उनको लेके कि जो अगर वो पैसा अमीरों से लेते हैं तो उसको मतलब बजाए मतलब कहीं और जाए समाज के उस समाज के हित में विद्या में दिया जाए, तो वो चीज़ें जो हैं मुझे लेके आई थी और मुझे अच्छा लगा कि अवध यूनिवर्सिटी में कम से कम उनके नाम पे एक मतलब जो है अतिथि गृह बना और उनका बुत लगाया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में जलालपुर थाना क्षेत्र में सीएम का आगमन हुआ। यहां सीएम ने कई उज्ज्वला गैस योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की सौगात दी। वहीं कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। मथुरा के कटरा बाजार रेलवे स्टेशन पर एक युवक ट्रेन के चपेट में आ गया। हादसा होते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। यह हादसा राया से कासगंज की ओर जाने वाली सवारी गाड़ी से हुआ। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि युवक ट्रेन से गिरा, इस वजह से ये हादसा हुआ। इस हादसे में युवक का पैर अलग हो गया है। यूपी के रामपुर में राज्यसभा सांसद तंजीम फातिमा के गोदलीय गाँव कसिया कुंडा गांव में कड़ी सुरक्षा के बीच राशन की दुकान का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें 600 से ज्यादा ग्रामीणों ने खुली बैठक में राशन डीलर को चुन लिया। आपको बता दें कि ग्रामीण राशन के लिए पिछले एक वर्ष से परेशान थे। पूरे राशन डीलर द्वारा गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा था, जिस पर दुकानदार को सस्पेंड कर दिया गया है। अपने गाँव के और इतना बड़ा सहयोग हमारी जनता ने हमारा दिया, हम बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं जनता के। बड़ा चुनौती थी हमारे लिए मौजूदा प्रधान के और पूर्व प्रधान के बीच में था, ये जो है अब संपन्न हो गया, बड़ी खुशी की बात है। ये कोटे की जगह रिक्त चल रही थी ग्राम कसिया कुंडा, जिसमें ग्राम वासियों ने 2 उम्मीदवारों के लिए मैदान उतारा था, जिसमें एक के पक्ष में 364 और दूसरों के पक्ष में 364 मिथिलेश वाइफ ऑफ अमर सिंह और लक्ष्मी वाइफ ऑफ रामपाल सिंह, ये 630। कौन जीता? इसमें लक्ष्मी रामपाल सिंह। यूपी के रामपुर में एक मदरसे के मौलाना को
झूठे मुकदमों में फंसाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। ये साजिश कोई और नहीं बल्कि उसके साले और दो गांव के ग्राम प्रधान कर रहे हैं। साथ ही मौलाना के ससुराल पक्ष के कुछ लोग रंजिश में मदरसे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यही नहीं, मदरसे में पत्थरों से भी हमला किया गया। इतना सब कुछ हो रहा है पर थाना अजीमनगर पुलिस की ओर से उल्टा पीड़ित पर ही दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित मौलाना द्वारा रामपुर एसपी और आईजी मुरादाबाद सहित अन्य अधिकारी और मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई गई। असम के पच्छे कारबा आंगलांग जिले में जुडिशियल कोर्ट और कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। यहां उद्घाटन समारोह हाईकोर्ट के जस्टिस एट कोटेश्वर सिंह और जस्टिस हितेश कुमार शर्मा की मौजूदगी में हुआ। उद्घाटन करने के बाद जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि नए जुडिशियल कोर्ट से न्यायिक कार्यों की गति में तेजी आएगी। न्यायाधीशों को न्याय के मामले में पीड़ितों की कसौटी पर खरा उतरना होगा ताकि न्यायिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बन सके। बेगूसराय में जमीन खरीद बिक्री को लेकर गोलीबारी में एक युवक को गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के सहजानंद मोहल्ले की है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं एक और व्यक्ति के नाम सामने आने के बाद गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अभी जानकारी मिली कि कन्हैया कुमार को गोली लग गया, कुछ जमीन सिलसिले में गया हुआ था हेमरा, वहीं पर यही बात की जानकारी लगा था। हम लोग देखने के लिए आए हैं कैसे क्या घटना हुआ है, अभी फुल जानकारी नहीं। वर्तमान में भी मटिहानी अब जमीन के सिलसिले में बात करने के लिए आया था। हमला बोला कि हम जमीन उनका परिजन लोग बोला कि जमीन खरीदने के लिए गया था और जो लड़का है नहीं कुछ बोल रहा है, हो जाएगा तब बोलने पर, हो जाएगा तब लड़का बोला है ना स्थल पर जाने के बाद कोई हमरा के दूसरे का अच्छा हमरा अजीत घटना। अयोध्या में मध्य प्रदेश से आए हजारों रघुवंशी समाज के लोगों ने श्री रामलला का दर्शन किया। इनका दावा है कि वे श्री राम के वंशज हैं। इछाकू वंश के रघुवंशी समाज से ये लोग हैं। श्री राम भी इछाकू वंश के रघुवंशी थे। इस समय सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले को लेकर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में श्री राम के वंशज का जिक्र किया गया था। ऐसे में इन रघुवंशियों का दावा है कि वे श्री राम के वंशज हैं और राम के वंशज होने का इसके पास अभिलेखनीय प्रमाण भी है। अयोध्या तो हर हिंदू का और हर मनुष्य का आने का कर्तव्य है, क्योंकि जो मोक्ष चाहता है, जो भगवान राम जी का आशीर्वाद चाहता है, उसको अयोध्या आना ही चाहिए। ये अंतिम पड़ाव है अपने जीवन का। मित्रों, हम सब रघुवंशी हैं, रघुवंशी सरनेम लिखते हैं, रघुवंश के हैं, इसलिए हम सब लोगों को कोर्ट को बताना पड़ रहा है कि हम लोग रघु के वंश के हैं, राम के वंशज हैं। इस कारण परम पूज्य कनक बिहारी महाराज जी, यज्ञ सम्राट, हमारे नोनी बर्रा राम जानकी मंदिर आश्रम से यहाँ विशेष रूप से पधारे। उनके नेतृत्व में हमारे सभी मध्य प्रदेश के 50 जिलों के रघुवंशी समाज के सभी सदस्यगण यहाँ जोर शोर से रैली लेकर के आए हैं, जो कि यहाँ रामलला के दर्शन करेंगे, विश्व कल्याण की प्रार्थना करेंगे और राम भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण हो उसकी प्रार्थना रामलला से करेंगे। तो रघुवंशियों का भगवान राम के पहले से इतिहास है। हम वैसे इक्ष्वाकु वंश के, इक्ष्वाकु वंश के बाद में सूर्यवंश के बाद में हमारे वंश में भगवान राम अवतरित हुए। ये वंश इतना प्रभावशाली और इतना भगवान यानी महाराज रघु के नाम से वंश कन्वर्ट हुआ और हम रघुवंशी कहलाए। तो वैसे तो भगवान जो राम ईश्वर है वो सब जात के, क्योंकि वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा धन बल गुण बल और चतुराई जाने जाती अधिकाई। तो भगवान जो है नर समान नहीं, कब ने उदय या आप, हम जितने लोग खड़े हैं हम सब सूर्यवंशी हैं, क्योंकि वंश तो दो चले ही यहाँ, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो जितने मनुष्य सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुष्य मोह भाए, तो मनुष्य जाति जितनी है पृथ्वी में तो सबके वंश भगवान राम है। बेगूसराय में गंगा नदी में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई है। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के चाक गंगा घाट की है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गंगा नदी पार कर
चारा लाने जा रहे थे। इसी दौरान दोनों तेज धार में डूब गए। युवक के डूबने की सूचना पर काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद हो गए। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है। जहां उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों के लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है और यातायात के नियमों का पालन न करने पर चालान भी किया जा रहा है, जैसे कि आए दिन पुलिस दो पहिया वाहन पर हेलमेट न लगाने पर चालान कर रही है, तो कहीं कार में हेलमेट न लगाने पर पुलिस चालान कर वसूली कर रही है। ऐसे में क्या खाकी पर यातायात के नियम लागू नहीं होते? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली में ऐसा ही लगता है, जहाँ यातायात के नियमों को ताक पर रखकर खाकी में पुलिस खुले आम यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चौपाल का आयोजन किया गया। ये चौपाल प्रधानाचार्य और प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अलंका बंसल की अध्यक्षता में हुआ। शिक्षा चौपाल में शिक्षक नेता सुरेंद्र भारद्वाज ने उपस्थित विद्यार्थी, अभिभावकों एवं ग्रामीण जनों को शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से देते हुए कहा कि हमें इन योजनाओं की जानकारी भलीभांति होनी चाहिए, तभी हम इन योजनाओं का अच्छी तरह से लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ने योग्य कोई भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित न रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।